नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यश कुमार मिस्टर ट्रूडिल मैनरॉयल स्टेट के चैनल पर आज आपके लिए डेरा बसी के अंदर पार्क वाली सोसाइटी है, जहां पर इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 8 से 9 पार्क हैं, मंदिर बीच में बना हुआ है सोसाइटी के अंदर, क्लब फैसिलिटी और गेटेड सोसाइटी है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीवरेज ड्रेनेज और पानी का लाइन और कनेक्शन तीनों ही चीज़ें चल रही हैं बड़ी अच्छी सुमित। मेरे पीछे यह है 110 गज का घर जिसका फ्रंट है 22 फुट और डेप्थ है 45 फुट, 3 BHK का घर है जिसके अंदर आपको 3 वॉशरूम मिलेंगे, 3 कमरे मिलेंगे, 1 मॉडुलर किचन मिलेगी, साथ ही में आपको घर के आगे और पीछे वेंटिलेशन का काफी अच्छा एरिया मिल जाता है, ग्रीन बेल्ट भी घर के अंदर आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाती है, हल्की सी झलक। चलिए अभी सीधा चलते हैं घर के अंदर। ये अब हम आ गए घर के अंदर, यहाँ पर हमारी 4-व्हीलर की पार्किंग और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे 2-व्हीलर की पार्किंग या साइकिल की पार्किंग भी लग सकती है, इसको हम एज अ वॉशिंग एरिया भी अपना यूज कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे हम घर के अंदर अपना एंटर करते हैं, हमारे जो घर के अंदर आपको मिल जाता है पहला मैश डोर मिल जाता है जाली वाला, उसके बाद सेंटर लॉकिंग के साथ वुडन डोर मिल जाता है, और ये हमारा है साथ में लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में आपको 2x4 की टाइल मिल जाती है सारे घर के अंदर, और साथ ही के साथ आपको ब्राउन कलर में, लाइट ब्राउन कलर में पेंट की फिनिशिंग, डाउन सीलिंग और सारी जो डाउन सीलिंग है उसके अंदर लाइटें लगी लगाई मिलेगी एज इट इज। इस घर के अंदर आपको जो सारी वायर यूज की गई है वो सारी हैवल्स की वायर यूज की गई है, काफी अच्छी और फाइन क्वालिटी की चीजें यूज की गई हैं घर को बनाते हुए। और घर के अंदर जब ये काम चल रहा था, घर के अंदर तकरीबन 7 से 8 पिलर डाले गए हैं, डाउन बीम डाले गए हैं और लेंटर पर काफी अच्छी मजबूती से सरिया डाला गया है, क्योंकि जो ये डेवलपर है जिन्होंने घर बनाया खुद अपनी इसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, 110 गज का घर है। अभी हम जो लिविंग एरिया के अंदर खड़े हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे आया था हमारा बेडरूम जिसको हम अपना चिल्ड्रन रूम भी बोल सकते हैं या नॉर्मल गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं। इस बेडरूम के अंदर आपको बाहर की तरफ से वेंटिलेशन और बाहर की तरफ से रोशनी भी आती है। इस रूम के अंदर आपको अलमारी मिल जाती है, LCD पैनल मिल जाते हैं और डाउन सीलिंग मिल जाती है, बढ़िया फैन लगे लगाए मिलेंगे आपको। और अगर फिनिशिंग की बात करें, कोठी के अंदर काफ़ी हाई क्वालिटी का काम किया गया है। इस रूम में भी आपको 2x4 की टाइल मिलेगी बढ़िया सिरेमिक कोटिंग के साथ में। और लिविंग एरिया के इस साइड जब हम सामने की तरफ घर में आते हैं, सामने है हमारी प्रॉपर मॉडुलर किचन, और इस मॉडुलर किचन में आप देख रहे हैं जो सारा मटेरियल यूज़ किया गया काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, और काफ़ी वेट है मॉडुलर किचन का जो ये प्रोडक्ट है, इसमें काफ़ी अच्छा और साउंड प्रूफ चीज़ें यूज़ की गई हैं। ड्यूल टोन के हमारे 2 शैंक आए थे दोनों जगह पर, और इसमें हमारा नीचे आ जाता है स्टोरेज स्पेस, आपने कोई एक्स्ट्रा सामान रखना आपके पास पड़ा हुआ वो आ जाता है। इस साइड हमारा आ जाता है कोई बर्तन वर्तन रखने का सामान, ऊपर हम आराम से अपने कोई जार वगैरह या कोई अपना कोई डेली नीड का सामान रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आप देख रहे हैं, वीडियो में आपको देखने को मिल रही होगी। और सबसे बड़ी बात है जो मॉडुलर किचन की हाइट है काफ़ी अच्छी है, और जो इस फ्लोर के ऊपर मॉडुलर किचन के अंदर लगा हुआ है ये पूरा ब्लैक मार्बल लगा हुआ है, और ड्यून टोन की फिनिशिंग के साथ ये किचन आपको फिनिशिंग में मिलेगी। इस किचन में भी आपको 2x4 के नीचे टाइल लगी लगाई मिलती है। जैसे किचन से एग्जिट होते हैं राइट हैंड साइड पे, फिलहाल तो अभी यहाँ पर हमारा पेंट का सामान पड़ा हुआ, पर इसको हम एज अ पूजा रूम यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहो इसको आराम से इजिली यूज़ कर सकते हैं। और किचन के साथ में हमारा बिल्कुल आ जाता है मास्टर बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस है मास्टर बेडरूम, बेड के दोनों साइड में आपको स्विचेस मिल जाते हैं, फुल हाइटेड आपको यहाँ पर वार्डरोब देखने को मिलते हैं, क्वालिटी जो वार्डरोब की है काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। नीचे आपके शू रैक आ जाते हैं लास्ट में, और आपको इसी मास्टर बेडरूम में भी 2x4 की टाइल सारी फिनिशिंग आपको बढ़िया मिलेगी, और इसके साथ आपको इस साइड पर मिल जाता है वॉशरूम। और अगर वॉशरूम के साथ हमारा बता देते हैं भी आपका वेंटिलेशन एरिया और वॉशिंग एरिया कनेक्टेड है, ये वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है ना कि हमारे रूम के साथ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे डेवलपर के जो उन्होंने किया भी एक अलग से स्पेस बनाती वॉशिंग एरिया की, जहाँ पर हम अपने कपड़े आराम से वॉश वगैरह कर सकते हैं। और जैसे हम इस मास्टर बेडरूम से निकलेंगे लिविंग एरिया में हम अपना जाएंगे, लिविंग एरिया में भी हमें बाथरूम की कमी खल रही थी, पर हमारे यहाँ पर लिविंग एरिया में भी आपको वॉशरूम मिलेगा, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, 7 फुट के हाइट तक टाइल लगी हुई है, गीजर का कनेक्शन दिया गया है, वॉल माउंटेड आपको सीट मिलेगी, जिस हिसाब से डिज़ाइन है वॉल माउंटेड सीट मिलेगी, सारी ए ग्रेड के स्विचेज यूज़ किए गए हैं, सारी ए ग्रेड की वायरिंग यूज़ की गई है इस कोठी के अंदर। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, पोड़ियो के ऊपर सारा जो है मार्बल फिनिशिंग यूज़ किया गया है, स्टील की रेलिंग लगी हुई है, इस साइड भी स्टील की रेलिंग लगी हुई है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ डेवलपर ने काम किया है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो मेन डोर है यहाँ पर भी सेंटर लॉकिंग के साथ हमारा जो है एरिया ओपन होता है, सीधा जैसे हम ये डोर खोलेंगे हम अपनी टेरेस पर पहुँच जाते हैं, अपनी छत के ऊपर पहुँच जाते हैं। 2x2 की टाइल लगी है सारी फ्लोर के ऊपर, वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है। और अगर बात करें रूम की
रूम हमारा इस साइड पर है और बाथरूम हमारा इस साइड है। पहले हम अपना रूम देखते हैं। 2x4 की इस रूम में भी टाइल लगी हुई है, काफ़ी अच्छी लुक लग रही है और क्वालिटी अच्छी, बढ़िया क्वालिटी है। डोर लकड़ के हैं दोनों साइड पर। ये हमारा बालकनी का एरिया आ गया। बालकनी के एरिया में हमारी 2x2 की टाइल लगी है वाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। मेरे पीछे आप देख रहे हो घर काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। सोसाइटी के अंदर तकरीबन 8 से 9 पार्क का चिल्ड्रन प्ले एरिया है, क्लब की फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरा की फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी हैं। और जैसे हम यहाँ पर अपना बेड लगाएंगे, दोनों साइड पर हमारे स्विचिंग के पॉइंट है। बात करें इस प्रॉपर्टी के प्राइस की, ये आपको प्रॉपर्टी का प्राइस लगभग 55 लाख रुपये का पड़ेगा। 55 लाख रुपए की आपको ये प्रॉपर्टी पड़ेगी। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको तकरीबन 50%, 60%, 70% तक लोन मिल जाएगा। वो आपकी प्रोफाइल और क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपने कितना लोन लेना, किस तरीके से लोन लेना, क्या आपको प्रॉपर्टी समझ में लग रही है, किस तरीके की प्रॉपर्टी समझ में लग रही है। मेन एंट्रेंस के बिल्कुल बगल में ये प्रॉपर्टी है, काफ़ी हाई फाई लोकेशन है जो ये घर है, बहुत अच्छी लोकेशन के अंदर है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। एक बार बाथरूम देख लीजिए, हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बाथरूम है। इस बाथरूम में भी आपको सेम 7 फुट की हाइट पर टाइल लगी लगाई मिलेगी। वॉल माउंटेड आपको यहाँ पर टॉयलेट की सीट मिल जाएगी। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ पर हमें नॉर्मल पौड़ी दी गई है लोहे की, यहाँ से जाते हुए हम ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात करूँ, सोसाइटी के अंदर सभी प्रकार की फैसिलिटी डन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको सीवरेज का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिशियन का कनेक्शन, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस घर के अंदर आपको मीटर लगा लगाया मिलेगा, मीटर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी लाइटें, सारे पंखे वगैरह आपको चलते हुए मिलेंगे। और अगर आपने ये प्रॉपर्टी विजिट करनी है, ये 55 लाख की प्रॉपर्टी है। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, 9780810090 पर कॉल करके आप आइए, ये प्रॉपर्टी को विजिट कीजिए। जब तक आप ये प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे, तब तक ये फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी होगी। विद इन 5 to 7 days की कमिटमेंट है, ये प्रॉपर्टी हमारी रेडी टू मूव होने वाली है 5 से 7 दिन में। जल्दी से जल्दी आइए, इस प्रॉपर्टी को जरूर विजिट करिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। 110 गज का घर 22x45 लाख में, प्राइस है 55 लाख, 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कारम, जय श्री राम।